हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे करे टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलोइंग का ऑप्शन जो है, या फिर कहें कि फॉलो का ऑप्शन लाना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को भी आपके दोस्तों की प्रोफाइल पर एड फ्रेंड की जगह जो है, अगर आप लोगों को फॉलो का ऑप्शन दिखाना है, या फिर आप चाहते हैं कि व्यक्ति आप लोगों को फॉलो करे ना कि एज ए फ्रेंड जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सके, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अपने फेसबुक की प्रोफाइल पर फॉलो का ऑप्शन लाने के लिए आप लोगों को जो है कुछ यहाँ पर थोड़ी सी मेन सेटिंग्स को चेंज करना होगा, जिसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर फॉलोड या फॉलोइंग बाय का जो है ऑप्शन देख पाएंगे। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, या फिर राइट साइड में दिख रही थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। अब इसमें आप लोगों को नीचे की ओर जाना है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को सेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप लोगों के सामने फेसबुक की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों को इसी में थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है। जब आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियंस एंड विजिबिलिटी के सेक्शन में आप लोगों को फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की प्रोफाइल पर फेसबुक में फॉलो का ऑप्शन तभी आएगा जब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग 18 साल के हो चुके हों, सिर्फ उसी कंडीशन में। इसलिए अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है 18 साल की फिट नहीं हो रही है, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हु कैन फॉलो मी सेक्शन में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक करना है। हु कैन सी यूर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन, तो इसको भी आप लोगों को जो है वो पब्लिक कर देना है। कुछ सेकंड में पेज रिफ्रेश होगा और सेटिंग सेव हो जाएगी। देन इसके बाद में आप लोगों को नीचे भी यहाँ पर जो है पब्लिक पोस्ट कंटेंट में पब्लिक पर क्लिक कर देना है। फिर से पेज रिफ्रेश होगा और फिर आप लोगों को पब्लिक प्रोफाइल इन्फो में भी पब्लिक पर क्लिक कर देना है। अब इन ऑप्शंस को करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद में आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके देखना है कि आप लोगों के इसमें जो है वो फॉलोड बाय या फॉलोइंग का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। ये मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी मेरे सामने यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि वापस से थ्री लाइन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को चले जाना है यूअर प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर देखिए जरा, इंट्रो सेक्शन में आप लोगों को एडिट का बटन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब आप लोगों को नीचे देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में आप लोगों को फॉलोअर्स के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है फॉलोड बाय 47 पीपल। आपको इसे मार्क करना है और आपको इसे सिंपली जो है सेव कर देना है। जैसे आप लोग सेव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जो है यहाँ पर फॉलोड बाय का ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये ऑप्शन आप लोगों को अभी भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इसे नीचे ड्रैग करके जो है रिफ्रेश कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों छोटी सी सेटिंग्स, जिन्हें चेंज करने के बाद आप लोग अपने फेसबुक की प्रोफाइल पर फॉलोड बाय का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति आपको फेसबुक पर चेक करेगा, तो सामने वाले व्यक्ति को ऐड फ्रेंड नहीं बल्कि फॉलो का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को फेसबुक की प्रोफाइल पर फॉलो का ऑप्शन इनेबल करना सिखाया है। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस कैसे करे टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, दिस इज कैसे करे टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।